राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की तरफ से विवादित कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और कुणाल कामरा को शो करने के लिए आमंत्रित किए जाने को लेकर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है और कहा है कि दिग्विजय को अगर कॉमेडी करवानी है तो आलू से सोना बनवाने वाले से करवा ले। नरोत्तम ने कहा कि देवी देवताओं का अपमान करने वालों की जगह केवल जेल में होगी। यही नहीं, नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पुलिसकर्मियों को राज्य सरकार पुरस्कार देगी। स्वर्ण पदक जीतने वाले को 1,00,000 और रजत पदक जीतने वाले को 75,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। दिग्विजय सिंह जी को अगर कॉमेडी करानी है तो जो आलू से सोना बनाते हैं उन्हें बुला ले, जो छाती में छुरा पीट से भोंकते हैं उनको बुला ले, जो पूंजीपति को पूंजापति बोलते हैं उन्हें बुला ले। मध्य प्रदेश में कोई भी हमारे देवताओं का अपमान करने वाला शो होगा तो उसका स्थान जेल में ही होगा। किसी कीमत पर किसी की भी भावनाओं के साथ खेलने की किसी को अनुमति नहीं होगी। अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें पदक जीतने वाले हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, जिन्होंने रजत पदक, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक जीते हैं और इनको क्रमशः पदकों के कारण से नगद पुरस्कार 1,00,000 रुपए, स्वर्ण को, रजत को 75,000 और कांस्य पदक को 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार